मेरा सवाल अर्जुन से और परी मैम दोनों से है। इस फिल्म का एक टैगलाइन है, लव कैन ट्रेवल एनी डिस्टेंस। ये लाइन आपके दोनों के रियल लाइफ से कितना इत्तेफाक रखता है? अब बोलो। इसका जवाब पहले परिणीति देगी। हाँ। क्योंकि मैं कह रहा हूँ। शिट जो डायरेक्ट मैं तो आई थिंक कोई भी जो मुझे जानता है वो जानता होगा आई कैन गो एनी डिस्टेंस फॉर लव। मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाली और प्यार करने वाली और बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान हूँ, सो आई कैन गो एनी डिस्टेंस फॉर लव। मेरे अलावा ये सबको प्यार दिखाती है वैसे। साइलेंस ड्यूरिंग माई आंसर। सी ही सेइंग यस, ही सेइंग या। सो आई कैन गो एनी डिस्टेंस बिकॉज आई फील कि, और ट्रेलर में अर्जुन ये लाइन बोलता भी है कि आई थिंक पूरी दुनिया बोलो अब बोलो, ये हाथ दिखा रही थी। सॉरी सॉरी, क्या थी लाइन? बोलो यार, एक मिनट बोलो। दुनिया आज भी एक ही चीज पर कायम है जिसकी वजह से दुनिया कायम है, प्यार। करेक्ट। और ये लाइन से मैं बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हूँ कि अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर ले, हम लोग सब करियर माइंडेड इंडिपेंडेंट ये सब हो गए हैं, बट वी ऑल वॉन्ट टू कम बैक होम टू समबडी हु इज़ आज। या तो वो हमारी फैमिली है, या वो हमारा हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है। अल्टीमेटली हम लोग चाहे जितना मर्जी ट्रैवल कर ले, कुछ भी कर ले, हमें घर में प्यार चाहिए। तो आई रियली फील कि अगर प्यार के लिए आई डोंट गो द डिस्टेंस देन माई लाइफ हैज़ नो पर्पस। अर्जुन सर बोलो। सर यही सवाल सेम। देखिए लव जिस तरह की हमने नमस्ते इंग्लैंड में दर्शाई है, वो तो मैंने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज आई हैव मेड अ वेरी फर्म चॉइस टू फोकस ऑन माय करियर, बिकॉज ऑफ विच आई एम श्योर आई हैव लॉस्ट आउट ऑन सर्टेन पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग सीरियस रिलेशनशिप्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जहाँ पे ये एक जुनून होता है प्यार को लेके, जहाँ पे आप हदें पार करते हो। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मुझे मेरी फाउंडेशन जो नींव होती है वो जमानी थी, तो मैंने कुछ सैक्रिफाइसेस किए थे अपनी ज़िंदगी में अपने काम के प्रति, तो मैंने हदें पार किसी और पहलू में की थी उस वक्त। बट नाउ टुडे आज 33 की उम्र में जब मैं एक फाउंडेशन प्राप्त कर पाया हूँ, जब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तो मैं सहमति रखता हूँ ये थॉट से दैट इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं हदें पार करनी पड़ती है अगर आप अपने चाहने वालों को, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, और नॉट ओनली योर पार्टनर, आप फैमिली ले लीजिए। मैंने कहीं ना कहीं मेरे फैमिली के साथ बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं कई सालों में, तो आई फील टू होल्ड ऑन टू देम, टू बी एबल टू कनेक्ट विद देम, टू बी एबल टू, यू हैव टू गो द डिस्टेंस। ये पूरे 6 साल के बाद, इशक जादे के बाद आप दोनों साथ आ रहे हैं, तो क्या काफ़ी कुछ बदलाव आया आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में? एक्चुअली यार वी बीन इन टच ऑल अलॉन्ग, सो इन अ स्ट्रेंज वे सब कुछ बदल गया लेकिन कुछ नहीं बदला। हमारे आसपास दुनिया बदल गई, लोगों का नज़रिया बदल गया। इशक जादे के दौरान लोग हमको ही टैप करके पूछते थे भैया किसकी शूटिंग हो रही है, और अब जब हम शूटिंग करते थे तो अच्छा लगता था, लोग हमसे आके मिलते थे, फोटो खिंचवा रहे थे, एंड आई थिंक इट वॉज सरियल टू फील दैट फियर। मुझे डर भी था जब पहले दिन शूटिंग कर रहे थे कि यार जो आपने कहा कि यार क्या वही सादगी होगी रिलेशनशिप में, वही एक कंफर्ट होगा कि मैं बोल सकता हूँ यार परिणीति तू ऐसा कर ले मैं वैसा कर लेता, बिकॉज वो आसान नहीं होता टू मेंटेन फॉर 6 ईयर्स, यू नो दैट प्योरिटी ऑफ योर फर्स्ट फिल्म। बट टू माई सरप्राइज एंड आई गेस आई एम ग्लैड एंड इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील इसीलिए वो एक कम्फर्ट आप लोगों को पसंद भी आया था पहली पिक्चर में। सब कुछ बदलने के बावजूद वी वर स्टिल एबल टू, आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन से हम वी वर बैक टू बींग लाइक इशक जादे। तो बीच के 6 साल कहीं ना कहीं डिलीट हो गए हमारे इमोशन से, वो सौभाग्यशाली है कि उसे काम करने का मौका मिला मेरे साथ। मुझे पता था ये बोल वो प्रार्थना कर रही थी 6 साल जब वो इंतजार कर रही थी, तो फाइनली जब उसकी ख्वाहिश पूरी हुई तो वो तो खुशी होगी ना। मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है एक्चुअली जब मैं इसके साथ कुछ भी काम करती हूँ, या आजकल अब मैं प्रमोशंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको उस दिन से देखा है जब ही वॉज़ अ नोबडी। लिटरली वो सेट पे बैठ के वेट कर रहा था कि मेरा पहला शॉट कब आएगा, क्योंकि उस टाइम मैं शूट कर रही थी और ये वेट कर रहा था पूरी रात। एंड उस पहले शॉट से, जब इसने एक बाइक पे चला के एक पहला शॉट दिया था शहजादे, उस टाइम से लेके आज जब मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ इसके पीछे पागल हो रही हैं और लोग इसके फैंस हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया। यू नो आई फील सो प्राउड ऑफ हिम एज अ फ्रेंड, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिम। तो मुझे बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है कि ये कहाँ से कहाँ आ गया 6 साल में। एंड जैसे इसने कहा कि नथिंग चेंज्ड, एंड वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी था कि स्पेशली एक लव स्टोरी शूट करते हुए वो कम्फर्ट होना चाहिए, आई शुड बी एबल टू से व्हाटएवर आई वॉन्ट।
आई थिंक देर इज़ नो बडी हु अंडरस्टैंड मी बेटर देन अर्जुन. एंड हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ही है, हम लोग ये सब फाइटिंग वाइटिंग ये सब करते हैं बट वी रियली केयर फॉर ईच अदर एंड हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं. तो वो कभी नहीं चेंज हुआ एंड वो बहुत आसानी से स्टारडम में चेंज हो जाता है, और मैंने खुद देखा है और मैंने सबके साथ काम किया ऑलमोस्ट. सो वो इसमें नहीं चेंज हुआ एंड दैट्स ब्यूटिफुल. Well, that's true. And but also talking about the whole team and a wonderful trailer that we have seen, Penn and Reliance Entertainment, these two companies have been associated. So, Subhashish sir, how was your experience working with Jayanti Lal sir? What do you have to say about that? Okay, Arjun, can you please pass the mic? Subhashish, would you like to answer that? Actually, I think the whole thing is going in a correct flow. Let the question from the judge. So anyway, since you have asked, I think we have a great experience working with both Pain and Bipul Bhai. As Bipul said that, I think our journey started from work, Namaste London, things. So almost like 8-9 things we have done together. Same with Jayanti Bhai, respect to all of them. And don't bother, I think the Janus are waiting to hear from the creative guys and the actors. And I think it's going to quite. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, sir. Hello. Mr. Shah, my question is for you. You've returned to direction after 8 years, and you've produced films in that gap. What kind of responsibility does that add to you as a director? And you make a lot of films on diaspora, Namaste London, London Dreams, and now Namaste England. So what is that thought that goes behind making diaspora? Directing after a gap, obviously, feels like your first film. Mera gap thoda zyada hi ho gaya. I mean, my gap was a little longer than I anticipated, but I'm happy being back directing, and I'm glad that I made this film as the first film after the gap. London, because when I started searching for a story that I wanted to direct, there was one thought that started this entire journey, that if a girl decides or she takes a decision in her life, will it be followed up by everybody or will there be objections? That started the thought process, and then I, with Suresh and Ritesh, we started developing this script, and it turned out to be the script that it is now. And when we were doing this script, we got into another thought that how far can you travel for your love? And how do you mix these two into a story? And when we wrote it, it just seemed so natural that it had to be Punjab and London. We also tried Canada, but somehow mentally I couldn't see Canada as part of the film. And so we went back to England, and that's how it became Namaste England. Punjab is one of the most beautiful places. One of the greatest tradition of love stories is in Punjab, whether it is Heer Ranjha or Sohini Mahiwal. When you are there, you feel like falling in love. It's such a wonderful place. And so is London, multicultural, free, and very, very beautiful. So that's why they became my choice for this film. Pariniti, hi, at your center. First of all, congratulations. Brilliant song. I can see the good choreography, of course. Arjun, very well done. Mera question aap teenon se hai, Vipul ji, Pariniti and Arjun. Aap sab log is industry ka hissa hai. Aur agar is industry mein kuch bhi ho raha hai, toh hum aap se wo question poochna chahenge. Ji, poochho. हाल ही में जो तनुश्री ने आरोप लगाए हैं, दत्ता ने आरोप लगाए हैं नाना पाटेकर पे, सिर्फ ये जानना चाहूँगी, आपने ट्वीट भी किया है परिणीति, आपने सपोर्ट भी किया है, क्या आपको लगता है ये एक मी टू मूवमेंट इंडिया स्टार्ट होने वाला है? क्या आपको लगता है और अदाकाराओं को सामने आकर के इस बारे में बात करनी चाहिए? आपका ओपिनियन, अर्जुन जी आपका एंड विपुल सर आपका. Honestly, I really hope कि ये Me Too movement का start नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ऐसी बहुत सारी stories हैं, and I really hope ये first and last story है, अगर ये सच है तो. So I really hope this is not the start. Having said that, अगर कोई भी victims हैं, especially women in this industry, actresses, अगर किन्हीं के साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है, I said it in my tweet also, I want every woman out there to come out there and speak,
क्योंकि इफ दे डोंट स्पीक नाउ दे विल फॉर एवर बी सप्रेस्ड. And personally, I've never gone through such an experience. But God forbid, अगर ये मेरे साथ हुआ होता, I would have never kept quiet. So which is why I don't think keeping quiet is the solution ever. This is something very serious that has happened to somebody. If it has happened, again, मैं बोल रही हूँ, if it has happened, I'm not taking sides because I wasn't there, so I don't know. But if it has happened, it is the worst thing that can happen to a woman. If we can't feel protected in our industry, in our country, then how can I live, how can I do anything, how can I work? So I hope this is all untrue. I hope this has not happened to her, but if it has, then we will all support her, not only the women, I think all the men are also going to support her. And I really hope this is not the start of a big movement, because it will be terrible if there are more stories like this. I think meri do behne hai is industry mein, aur industry chhodiye, meri do behne yahan pe kaam kar rahi hai, meri aur teen behne bhi hai. As a human being who has sisters, as a human being, I would, in living in this country, I would want that any woman feels safe. Abhi kya hai na, ye shor sharabe mein, ye charche mein ek cheez miss ho rahi hai ki hum dekh rahe hai ki film industry hai ya ye hai. Ye sab jagah hota hai, wo reality hai. Aaj ek ladki ne wo himmat dikhai hai ki usne charcha shuru ki hai, ek sachchai lane ki koshish ki. Agar wo sachchai hai to zarur she will win. We have to understand that, we have to learn to listen first. Problem kya hai na, hum shor sharaba chalu kar dete hain, हम सुनते ही नहीं, तो लोगों को डर लगता है कि यार ये तो बात का पतंगड़ बन जाएगा. दैट गर्ल हैज़ कम आउट एंड स्पोकन अबाउट समथिंग दैट वाज सो, दैट इज सो ड्रेडेड दैट यू थिंक अ मिलियन टाइम्स इन दिस कंट्री बिफोर कमिंग आउट एंड स्पीकिंग अबाउट इट. सो शी डिजर्व्स टू बी हर्ड बिफोर बींग जजमेंटल, बिफोर टेकिंग साइड्स, बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स, बिफोर मेकिंग इट अ डिबेट, बिफोर मेकिंग इट अबाउट विल दिस बी अ मूवमेंट, विल वी डू दैट. यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट हैज हैपेंड, यू टू अंडरस्टैंड. हमको प्रोसेस करना पड़ेगा. ये हम सब पे उंगली उठाई गई है, ये फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं है, आपके प्रोफेशन में भी होता होगा ये, पर किसी ने आज तक बात नहीं की क्योंकि प्रिंट में और मीडिया में वो चर्चा नहीं होती. हिंदुस्तान के कोने कोने में ये इशू है. वी ऑल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एज ह्यूमन बींग्स, एज मैन वी हैव टू गिव इक्वालिटी टू वुमेन, वी हैव टू अलाउ अ सेफ वर्किंग एनवायरमेंट. आई फील सो प्राउड इन दिस एनवायरमेंट वेर आई सिट विद ऑल ऑफ यू. देयर आर मोर वुमेन देन मैन हियर ऑन अ डेली बेसिस व्हेन आई डील विद द मीडिया. हम जब सेट पे होते हैं, आज देयर आर असिस्टेंट्स हु आर गर्ल्स, आई फील सो हैप्पी देयर आर टेक्नीशियंस हु आर गर्ल्स. But we have to create that environment where we allow this to be a country-wide situation. Yes, our industry has had this moment, and we need to introspect. There is no two ways about it. हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, and we have to make sure ऐसी कहानियाँ अगर मौजूद है, they should all feel safe to speak about it. But at the end of the day, we have to stop making noise about it for the wrong reasons. If we are making noise, we must make noise for the right reasons. And we all are part of a country and a community. So don't point fingers at anybody. We all need to make sure that we don't allow this to happen to anybody ever again. Otherwise, we are all failing on a daily basis. See, as far as this case is concerned, or any such case is concerned, I believe jab jis insaan ko sachchai na pata ho, use apna opinion dena nahi chahiye. Kyunki isme do log involved hain, aur agar aapka opinion galat hai, to aap kisi na kisi insaan ke saath ना इंसाफी कर रहे हो. वॉट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाई कॉप्स ऑन अ वेरी वेरी अर्जेंट बेसिस. एंड वंस वी रियलाइज वॉट इज राइट इन दिस केस, आफ्टर दैट एवरीबडी हैज टू स्टैंड अप एंड फॉलो अप एंड मेक श्योर दैट द राइट जस्टिस इज डन टू द पर्सन हु इज सफर्ड. And it could be anybody. But before that, मैंने कहीं कुछ सुना, मैंने कहीं कुछ पढ़ा, मैंने कहीं कुछ देखा और मैंने एक जजमेंट बना के कुछ बोल दिया, वो मुझे लगता है कि हम किसी ना किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे और वो नहीं होनी चाहिए. Because it's a very important issue between two people, and whomsoever is wrong, that cops must find out. And once you find out, then there should be no stopping in making sure that the guilty is punished very, very severely. We'll have the last question for the evening. This will be the last question. तरह से सारे companies में sexual harassment को लेके एक policy बनी है. क्या हमारे film industry में ऐसी policy है? और अगर नहीं है तो क्या बननी चाहिए और क्या चीजें होनी चाहिए? आपको as a senior director और काफी time से आप हैं industry में, आपको क्या लगता है क्या steps होने चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दो इंडस्ट्रियां हैं.
एक वो इंडस्ट्री है जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट, जेन्युइन टेक्नीशियन, इन सब की बनी हुई है, वहाँ पे ये इश्यूज नहीं होते। एक और इंडस्ट्री है जहाँ पे हर तरीके का स्कैम होता है और ये सारी वारदातें वहाँ होती हैं। इसीलिए आप कभी ये नहीं सुनते कि किसी बड़े फिल्म मेकर के साथ, कभी कभी कोई किस्सा कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अगर इतने सारे बड़े फिल्म मेकर ये सब कर रहे होते या एक्टर्स ये कर रहे होते तो फिर तो ये रोज छपता। तो इंडस्ट्री में भी एक जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स, जेन्युइन लोगों की इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये सब नहीं होता। जो स्कैमस्टर्स वाली इंडस्ट्री है उसको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो कौन सी फिल्म कब बनाते हैं और कब रिलीज़ होती है ये किसी को पता भी नहीं होता। साल में 250 फिल्में रिलीज़ होती हैं, आपको 50, 60, 70 फिल्मों के ऊपर पता भी नहीं होगा कब कौन सी फिल्म आई और चली गई। अब वो एक अलग ही दुनिया है और वो दुनिया में कोई भी लड़की ना फंसे, ये हमारी प्रार्थना भी होती है और हम कोशिश भी करते हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मुंबई मिरर में एक आर्टिकल भी आया था, जब हमारे जो को प्रोड्यूसर हैं आशीन शाह, उन्होंने ऐसा एक रैकेट देखा होते हुए और वो हम उन्होंने उनको पकड़ा, उनके पीछे दौड़े भी, सब कुछ हुआ था। तो जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये सब ना हो, बट जो दूसरा जो एक लेयर है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा आखिरी सवाल है देवाशीष जी और जयंती भाई से, चूँकि ये प्रोड्यूसर होने के बावजूद क्रिएटिव एस्पेक्ट सारा इनके पास था, विपुल जी के पास, तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि अगर आप यहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में देखें तो इसे फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, यूथ को पसंद आ रही है, जो इसके गाने वाने अच्छे लग रहे हैं और फिल्म वैसे भी बड़ी है, तो आप लोगों ने इसको कितने स्क्रीन के लिए सोचा है रिलीज के लिए? सो इन डोमेस्टिक वी इंडिया में हम लोग ऑलमोस्ट 1600 to 1700 properties, so close to, I think in my mind at least anything between 2200 to 2500 screen will be there. But the final numbers you only get 10 days before release or even 4-5 days before release when you finalize the showcasing with the multiplex. But anything between 2200 to 2500 screen in the domestic market will be there. Overseas market, I think Jayanti bhai will be better to say, I think Eros is releasing the film. Overseas Eros kar raha hai aur mere khayal se unhone 500 ka plan banaya hai कुल मिला के, तो मतलब हाँ दोनों बाजू मतलब अच्छी रिलीज होगी इंडिया और ओवरसीज। मैम आप थिएटर में जाएंगे देखना ना? आपने थिएटर काउंट तो ले लिया, थिएटर में जाके देखना।